चलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मराठी मज़मून के सबक ऐकू या बोलू या के बारे में कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, फैन, एसी, रिमोट वगैरह वगैरह। इन सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल करने के साथ साथ ये लेसन मराठी में दिया हुआ है, तो बच्चे मराठी में और उर्दू में दोनों में इन चीज़ों के नाम सीखेंगे। उसी के साथ हमने इसमें लर्निंग आउटकम्स निकाले हैं कि बच्चों में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के बारे में मालूमात होगी, बच्चों को जब वो अपने जुमलों में अपने वाक्य में मराठी में इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि फ्रिज मध्य दूध ठेवला आए, इस तरह से फैन चालू करा, वॉशिंग मशीन मध्य कपड़े धुतले, इस तरह के वाक्यों का इस्तेमाल बच्चे करेंगे। अब इससे क्या होगा, बच्चों की तालीमी तरक्की होगी, बच्चों की जहनी तरक्की होगी, बच्चों की इल्मी तरक्की होगी, बच्चों की सकाफती तरक्की होगी। जैसे कि 2020 नई तालीमी पॉलिसी के तहत हमें बताया गया है कि बच्चों में ना सिर्फ इल्मी जहनी तरक्की हो बल्कि समाजी, सकाफती, जज्बाती, जहनी, समाजी तरक्की होना लाजमी है। तो आइए हम शुरू करते हैं सबक ऐकू या बोलू या, जो कि मराठी सब्जेक्ट से लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया।